हेलो दोस्तों, आज हम जो पायदान बनाने वाले हैं इसके लिए हम साड़ी की 2 इंच चौड़ी पट्टियां काट लेंगे। पट्टी के दूसरे सिरे पर सेफ्टी पिन लगा देंगे। अब 2 उंगलियों पर एक छोटी सी रिंग बना लेंगे और इस रिंग में सेफ्टी पिन से नोट लगाएंगे। जैसा वीडियो में दिखाया गया है वैसे हम इस रिंग पर एक एक नोट लगाएंगे। सभी पट्टियों की लंबाई लगभग 2 से 3 मीटर लेंगे। एक एक नोट लगाते हुए हमने कुल 12 नोट लगा ली हैं। अब हम इसी पट्टी से प्रत्येक फंदे में 2-2 फंदे बनाएंगे। 2-2 फंदे किस तरह से बनाने हैं यह वीडियो में दिखाया गया है। यह हमने 2-2 फंदों की एक लाइन बना ली है। अब यहाँ पर हम दूसरे कलर की पट्टी जोड़ रहे हैं। इस कलर की पट्टी से हम पहली लाइन तो उन्हीं 2-2 फंदों पर 2-2 फंदे बनाकर ही बनाएंगे। और इस कलर की पट्टी की दूसरी लाइन हम उन्हीं 2-2 फंदों पर 4-4 फंदे बनाते हुए बनाएंगे। अब हम डार्क ग्रीन वाली पट्टी से उन्हीं 4-4 फंदों पर फिर से 2-2 फंदे बनाएंगे। दूसरी लाइन भी उन्हीं 2-2 फंदों पर 2-2 फंदे बनाकर बनानी है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि डोरी को खींचते समय ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है। इन 2 किनारों को सुई धागे से सील देंगे। अब इन दोनों डोरियों को साथ में लेकर इन पर 4-4 फंदे बनाने होंगे। बस आपको बनाते समय यह ध्यान रखना है कि डोरी को ज़्यादा टाइट ना खींचे। इस लाइन में हमें 4-4 फंदों पर 6-6 फंदे बनाने हैं।
ताकि छोटी छोटी फ्लावर की कलियां बन जाएं। अब यहाँ पर भी दोनों डोरियों को साथ में लेकर यहाँ पर हमें दो फंदे बनाने हैं। साथ में छह फंदों पर भी हमें दो फंदे बनाने होंगे, लेकिन डोरी को ज़्यादा खींचना नहीं। दूसरी लाइन भी हम उन्हीं दो दो फंदों पर दो दो फंदे बनाते हुए बनाएंगे। अब यहाँ पर भी पहले की तरह ही इन दोनों डोरियों को साथ में लेते हुए यहाँ पर चार चार फंदे बनाएंगे। अब हम इन्हीं चार चार फंदों पर चार चार फंदे बनाते हुए जितना बड़ा पायदान बनाना चाहें उतना बड़ा पायदान बना सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए इन चार चार फंदों पर छः छः फंदे बना सकते हैं।